स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट और इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट ए हमारा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है थ्री ऑर्डर का, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31। तो इसका हम एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। एडजॉइंट को शॉर्ट में एडीजे, ए इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ ए। तो इनके कोरेस्पोंडिंग कोफैक्टर्स निकालें, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 इसका फिर ट्रांसपोज, ये हमारा एडजॉइंट होता है। यानी कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के कोरेस्पोंडिंग कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। और जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, a11 a12 जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, a13 a21 a22 यानी कि जो हम रो वाइज लिखते थे हम कॉलम वाइज लिख रहे हैं, a31 यानी कि जो ये मैट्रिक्स है ये क्या होगी, हमारा एडजॉइंट निकलेगी। क्वेश्चन देखें, ए हमारे पास सपोज कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा है, इसका हमने एडजॉइंट निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है एडजॉइंट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। a11 1 का कोफैक्टर हम कैसे निकालेंगे, जैसे माइनर निकाल दें, डिलीट कर दो। a11 का मतलब है 1 का कोफैक्टर, a11 स्मॉल a11 1 का कोफैक्टर, डिलीट कर दो रो और कॉलम को, तो क्या बचा हमारे पास 4। और इस पे कौन सा साइन होता है, प्लस का साइन होता है, मैंने आपको बताया है। इस डायग्राम को याद रखें, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, हर नंबर के आगे आता है कोफैक्टर में, माइनर में नहीं आता। या ये आप समझे, 1 + 1 2, इवन है तो पॉजिटिव आता है, अदरवाइज नेगेटिव आता है, a12। अब ओड है तो नेगेटिव आएगा। या आप ये समझ सकते हैं, इस नंबर के ऊपर इस पे प्लस है तो इस पे कौन सा हुआ, माइनस का साइन हुआ, तो माइनस का। अब 2 का आपने क्या निकालना है, a12 स्मॉल a12 यानी कि 2 का कोफैक्टर, डिलीट कर दो रो और कॉलम को जिसमें हमारा a12 लाई करता है, 2 लाई करता है, कितना आ गया 3। a21, अब a21 हमारा 3 है, 3 का कोफैक्टर 2, माइनस आएगा, माइनस क्यों आया, क्योंकि इस पे कौन सा साइन होता है, इस पे प्लस है तो इस पे माइनस, इस पे माइनस अल्टरनेटिवली प्लस के बाद माइनस और इस पे प्लस, तो a22 यानी कि 4 का निकालेंगे, 1 2 3 4 का क्या आ गया 1। तो एडजॉइंट हमारा क्या हुआ, a12 रो वाइज ना लिख के कॉलम वाइज लिख दें, तो ये डायरेक्ट हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया, a21 a22। तो दिस इज द a11 4 माइनस 3, a11 4 a12 माइनस 3, a21 माइनस 2, a22 1, ये आ गया हमारा एडजॉइंट। इस तरह से हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। इसका एक शॉर्ट मेथड भी होता है एडजॉइंट निकालने का, देखे ध्यान से। वन टू थ्री फोर था हमारा, क्या करें, इनको हम इंटरचेंज कर दें, क्या कर दें, इंटरचेंज, और इनका साइन चेंज कर दें तो एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट क्या हो गया हमारा, इनको इंटरचेंज करना है, कर दिया इंटरचेंज, और इनका साइन चेंज करना है, 2+ का है तो किसका हो गया, माइनस का, 3+ का है तो किसका हो गया, माइनस का, आ गया ना वही सेम। इस तरह से हम एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कहेंगे अगर उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है,
इज सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू जीरो. फॉर एग्जाम्पल ए हमने लिया, इसका डिटरमिनेंट निकाले, फाइंड आउट करें इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, जीरो आएगा. तो कैसा मैट्रिक है, सिंगुलर. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है डिटरमिनेंट जिसका जीरो नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आएगा, तो ये कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर. थ्योरम है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होता है. इन्वर्टिबल का मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर. अगर कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर का मतलब है उसका डिटरमिनेंट अगर जीरो के इक्वल नहीं है, तो तभी हम उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. इनवर्स फाइंड आउट फॉर्मूला हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ए, थ्योरम है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर, यानी कि उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए. और हमारा इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर. ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. मैंने अभी थ्योरम में बताया था किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है इफ अगर वो क्या हो, नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर का मतलब डिटरमिनेंट ए जीरो के इक्वल ना हो. अगर डिटरमिनेंट ए जीरो हो गया तो एग्जिस्ट करेगा नहीं ये इनवर्स. ठीक है, अब क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड ए इनवर्स इफ, मैट्रिक्स ए दे रखा हमारे पास, ए की इनवर्स फाइंड आउट करना है. इसी के साथ हम एडजॉइंट भी निकाल लेंगे थ्री ऑर्डर का. ए इनवर्स, ए इनवर्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है तो हमें इसका डिटरमिनेंट चाहिएगा. तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, ए है हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए, एक्सपेंडिंग ले लेते हैं हम. एक्सपेंडिंग अलोंग ए दे रखा है हमारे पास 2, 1, 3, 4, -1, 0, -7, 2, 1. एक्सपेंडिंग अलोंग डिटरमिनेंट तो आपको निकालना आता ही है, आर वन या किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं. डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रो कॉलम को डिलीट करेंगे तो -1, -0. इसके ऊपर प्लस का साइन, इसके ऊपर ना -1 लगाते हैं. क्यों, क्योंकि इसके ऊपर प्लस का साइन, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर, ये मैंने आपको बताया था ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव. -1 तो 1 डिलीट करेंगे सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को, तो क्या है हमारे पास 4 -0. इसके ऊपर 3 प्लस का है, डिलीट करेंगे तो क्या 4 2 8. माइनस माइनस प्लस माइनस फॉर्मूले का होता है 7. तो हमारे पास कितना आ गया, -2 -4, 1 तो +3, तो -6 + 3 -3 नॉट इक्वल टू 0. डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है. तो हमारा क्या टारगेट है, अब हमारा एडजॉइंट निकालना पड़ेगा. एडजॉइंट को हम डिटरमिनेंट ए से क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे. वो हमें क्या निकालेंगे, हम उससे इनवर्स एडजॉइंट निकाले. A11 यानी कि हमारे पास 2 का कोफैक्टर. कैसे करते हैं, निकालते हैं, डिलीट कर दें एक स्मॉल A11 यानी कि 2 जिस रो कॉलम में लाई करता है, डिलीट कर दिया तो क्या बचा, -1 2 0 1. तो क्या आ गया, -1 0 -1 आ गया हमारे पास. अब हमें A12 इसका हमें क्या फाइंड आउट करने है, कोफैक्टर. इसके ऊपर साइन कौन सा होता है, माइनस. ये माइनस किस कारण से आता है, आपको मैंने बताया है Aij -1 बताया था, दोबारा फिर बता देता हूं. A12 -1 1 + 2 3 और M12. अगर मैं इसका कोफैक्टर हम निकालेंगे तो क्या है हमारे पास, 4 -7 0 और 1.
अब ध्यान दें, ये माइनस इसी के नाम का आया है और ये हो गया हमारा, ये हमारा माइनर है, इसके आगे माइनस, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा साइन कंसिडर, ये इसी के नाम का है माइनस वन रेज टू द पावर, क्योंकि ये एलिमेंट कौन सा ए वन टू वन प्लस टू थ्री ओड हो गया, तो इसलिए माइनस, तो इसका हमने, तो ये क्या आ गया हमारे पास माइनस फोर माइनस जीरो माइनस फोर ए वन थ्री सम क्या बना प्लस, और वही इस पे कौन सा साइन होता है प्लस का, ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, डिलीट कर दो और कॉलम को, तो क्या बचा हमारे पास फोर माइनस सेवन माइनस वन एंड टू, तो एट माइनस को माइनस से प्लस सेवन वन आ गया हमारे पास। अब हमने एट टू वन निकालना है, एट टू वन का मतलब है फोर का, ध्यान से देखें जिसका भी कोफैक्टर निकालते हो ना आप, तो उस अब किसका निकाल रहे हो, इस रो का कोफैक्टर निकाल रहे हैं आप, ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये वाली रो ये मल्टीप्लाई होंगी, जब इस एलिमेंट का निकालते हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और बीच वाले एलिमेंट का निकालते हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, अगर इस एलिमेंट का निकालते हो तो इधर वाली बच गई तो इस ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, फर्स्ट निकाल सकते हो आप अगर ऐसा ध्यान में रहता है आपको, ए टू वन इसका निकाल रहे हैं हम, इसका निकाल रहे हैं तो उधर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वन टू देखो टू वन है इसके ऊपर माइनस ओड है, वन टू थ्री वन तो क्या गया माइनस वन माइनस सिक्स क्या आ गया हमारे पास फाइव आ गया, ए टू टू इसका ध्यान दें, ए टू टू हमारा एलिमेंट माइनस ए टू टू जो हमारा एलिमेंट है माइनस वन है, इसके ऊपर इससे हमें कोई मतलब नहीं है, माइनस वन जब एक्सपेंड करते हैं तब तो ये एलिमेंट हम लिखते हैं यहां पे, अब इस माइनस और प्लस से हमें कोई मैटर नहीं है, लेकिन यहां पे साइन ए टू टू पे जो इनविजिबल साइन होता है वो प्लस का होता है, तो आपने डिलीट किया तो हमारे पास क्या बचा टू माइनस सेवन और थ्री वन। अब ध्यान रहे आप ये कहेंगे सर माइनस वन ये नहीं, ये एलिमेंट का साइन है, लेकिन इनविजिबल साइन जो होता है इस पे वैसे कौन सा साइन होता है प्लस का साइन होता है, ठीक है टू माइनस का क्या प्लस ट्वेंटी थ्री, ए टू थ्री का यानी कि इसका हमको फैक्टर निकालेंगे टू माइनस सेवन वन टू फोर प्लस सेवन, और यहां पे कौन सा साइन माइनस ओड बन रहा है, और या ये आप दे सकते हो इस पे कौन सा साइन होता है जीरो पे इसके ऊपर माइनस का, तो माइनस फोर प्लस सेवन क्या आ गया माइनस इलेवन। अब ए थ्री वन, अब हम नीचे वाली जो रो है उसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि ऊपर वाली रो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, इसका निकालेंगे तो उधर वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी, वन माइनस पॉजिटिव है वन माइनस वन थ्री जीरो, तो जीरो प्लस थ्री कितना आ गया थ्री आ गया, ए थ्री टू, ए थ्री टू हमारे पास यानी कि बीच वाले एलिमेंट का निकाल रहे हैं तो इधर वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस पे कौन सा साइन आया माइनस टू फोर थ्री जीरो जीरो माइनस ट्वेल्व कितना आ गया भाई ट्वेल्व, ए थ्री थ्री, ए थ्री थ्री एलिमेंट वन वन का, इट मीन्स टू फोर वन माइनस वन माइनस टू माइनस फोर कितना आ गया माइनस सिक्स, तो ए इनवर्स हमारा निकालने का फॉर्मूला वन बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट कितना आया भाई डिटरमिनेंट आया हमारा माइनस थ्री वन बाय माइनस थ्री, ए वन वन ए वन वन, हम ए वन वन ए वन टू रो वाइज ना लिख के कॉलम वाइज लिखेंगे हम, ए वन वन ए वन वन कितना है हमारा माइनस वन, ए वन टू माइनस फोर रो वाइज ना लिखे कॉलम वाइज, ये ट्रांसपोज ही कर दिया हमने, ए वन थ्री वन, ए टू वन फाइव, ए टू टू ट्वेंटी थ्री, ए टू थ्री माइनस इलेवन, ए थ्री वन थ्री, ए थ्री टू ट्वेल्व, ए थ्री थ्री माइनस सिक्स, इस तरह से हम अब माइनस वन बाई माइनस थ्री को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो या एज इट इज इसको छोड़ सकते हैं, इस तरह से हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, टू बाई टू ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे, ओके okay?